मस्ती और संगीत भरी बातें लिए हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। हीरो सारेगामा पा 2012 पावर्ड बाय लॉरियल पेरिस स्पॉटलाइट में। इस मंच पे हमेशा ही बड़ी हस्तियां आती हैं, लेकिन इस बार हमें साथ संगत करने के लिए और हमारे परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने के लिए आए हैं स्पेशल म्यूजिशियंस। इस बार के एपिसोड में स्पेशल म्यूजिशियंस बुलाए गए थे हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो थे रबाब, मैंडोलिन और बैंजो। मैं इंडस्ट्री में लास्ट 35 सालों से बजाता हूँ और मैं नौ इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो मैंडोलिन है। जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं वो है रबाब। वो मैंने सबसे सुपरहिट पीस बजाया, मैंने चप्पा चप्पा चरखा चले माचिस विशाल भारद्वाज के लिए। अकोस्टिक मतलब रूदारी, मतलब एक इंसान बजाता है। और आज के दौर में ज़्यादातर म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक बजता है, पूरा प्रोग्रामिंग होता है और प्रोग्रामिंग में मशीन बजाता है और यहाँ इंसान बजाता है, तो मशीन और इंसान का फ़र्क आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो यूज़ होने से हमारे गाने में भी चार चांद लग जाते हैं। जो गाना है थोड़ा सूफी स्टाइल का गाना है और उसके साथ प्लग सेक्शन बजा रहा है, दो मैंडोलिन, एक रबाब और एक बैंजो है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं उनको लाइव ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए सुन रहा हूँ। You know, the feeling is outstanding because पता नहीं कि ये बच्चे कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के सामने उनको गाने का मौका मिलेगा। जी टीवी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इस वक्त ये एकॉस्टिक को जो वापस ला रहे हैं और क्लासिकल बेस गाना, हर सिंगर को एक फ्रीडम है गाने की, जो तो बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को भी सुनने को अच्छा मिलेगा। अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का खास अंदाज इस मंच पर आया तो वो भी याद आए जिन्होंने मोहन वीणा बनाकर भारतीय संगीत का नाम विश्व के फलक पर रख दिया। पद्मश्री और ग्रैमी अवार्ड्स जैसे नामी खिताबों से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। बहुत गुणीजन विद्वान आर्टिस्ट हैं और पूरे हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत में बहुत ही नाम कमाया उन्होंने। हमारे इंडिया को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इज़ द ग्रैमी अवार्ड विनर और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्लासिकल के बहुत ही बादशाह हैं वो, और उन्होंने खुद मोहन वीणा जो है उनका इंस्ट्रूमेंट उन्होंने खुद इजाद किया है, उन्होंने खुद इन्वेंट किया है उसे। एक्सपेरिमेंट कर करके उनको 10 साल लगे ये इंस्ट्रूमेंट बनाने में, और अब एक नया, क्योंकि एक नया साज का आविष्कार एक बहुत बड़ी बात होती है। जब फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान में एक कॉन्सर्ट देखा था, एक फेस्टिवल था, उनका गिटार का एक नया स्टाइल देखा, तब मैं परेशान हो गया। और जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए वो नई चीज़ थी। एकदम से जब वो बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की हम जैसे मंदिर में बैठे हों। इतना अच्छा साउंड है उसका, प्योर क्लासिकल में उसको उन्होंने यूज़ किया, वो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है कि 10 साल वो ना कोई मेडिकल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन में या ऐसे कुछ में काम करते थे, और पूरे दिन काम करके रात को सो के 5 बजे सवेरे उठ के 4 घंटे रियाज करके फिर काम पे चले जाते थे, और ये उन्होंने लगातार सालों साल किया है। ये शो में ऐसे लोग जब आते हैं तो शो का जो स्टैंडर्ड है, शो का जो दर्जा है, शो का जो क्वालिटी है, दैट गोज अप 10-fold, बिकॉज ये बहुत बड़े लोग हैं। और ये हमारे बीच आके जब कमेंट करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, एंकरेजमेंट करते हैं, यू नो द फीलिंग इज आउटस्टैंडिंग। सारे गर्मा पा के जो आज के कैंडिडेट हैं उनको सुनने के लिए मैं अभी बेताब हूँ। सारे सिंगर्स ने बहुत ही बेहतरीन गाया और हीरो परफॉर्मर ऑफ द डे बने। परफॉर्मर ऑफ द डे मैं शहनाज को देना चाहूंगा। कंग्रेचुलेशन शहनाज, आप हैं हीरो परफॉर्मर ऑफ द डे। आपकी परफॉर्मेंस में नजर आती है जीत की चिंगारी। आपको मिलती है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक हीरो इग्नाइटर बाइक।
शहनाज अख्तर जो है वो तो हमेशा बाजी मार के जाता है और बहुत मुश्किल चीज़ एक आसानी से ऐसा गाता है जैसे कि पानी बह रहा है। उनकी प्रस्तुति एकदम फ्लॉलेस मुझे लगी और सुर में थे, ताल में थे, कमांडिंग था और सब कुछ मिला के उनका मुझे आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। आज सारेगामा पा में आया बहुत अच्छा लगा। आज 8 कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, सभी एक से एक अच्छे थे। जो मैं उम्मीद लेके आया था उससे ज़्यादा अच्छा आज मुझे सुनने को मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना परफेक्शन इन लोगों में है, इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये लोग, वो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। जीत के सेलिब्रेशन के बाद वो लम्हे आए जो एलिमिनेशन का दर्द लेकर आते हैं, और इस बार इस दर्द ने चुना उस सिंगर को जो सबको हंसाता है। पद्मनाभ के साथ शायद इसलिए हो क्योंकि वो उसने थोड़ा सा जॉनर से अलग ट्राई करने की कोशिश की आज, तो इसलिए ये उसको थोड़ा सा महंगा साबित हुआ आज। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, पद्मनाभ एक ऐसा सिंगर है कि कंप्लीट एंटरटेनर मानता हूँ मैं उसको। उसका एक अपना एक अलग जॉनर है, किसी एक खूबी का माहिर नहीं है वो, थोड़ी थोड़ी हर सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, और वो जिस तरह से परफॉर्म करता है वो अपने आप में एक कमाल है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक लाइव शो देख रहे हो। मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं था जब रेणु और पद्मनाभ का बॉटम टू में नाम आया, और जब एलिमिनेशन की बारी आई तो मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि पद्मनाभ एलिमिनेट होगा। पैडी का अनफॉर्चुनेटली इस बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे कहीं अंदर लग ही रहा था कि अगर आज कोई एलिमिनेट होगा तो वो पद्मनाभ होगा। पद्मनाभ का जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो इसीलिए शायद उनका एलिमिनेशन आज हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है कि पद्मनाभ ने इतना अपना बना लिया ना गाना कि शायद दूसरे जज को पसंद नहीं आया कि इतना तुम कैसे बदल सकते हो, वो जो कि मैं मानता ही नहीं हूँ। बट देन होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो देखो। मतलब अमेजिंग सिंगर। गुड थोड़ा ज़्यादा छोटा होगा उसके लिए क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा सिंगर है और उसके साथ बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है। पद्मनाभ ऐसा एक कैरेक्टर था, मतलब उसकी उम्र होगी 24-25 की, लेकिन वो सबका छोटा भाई की तरह था वो। मतलब सभी उस पर बॉसिंग करते थे लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होता था, वो सब स्पोर्टिली लेता था और बहुत ही हमेशा स्माइल करता था, सबको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता था, और बहुत मिस करूँगा मैं उसको। पद्मनाभ तो हर वक्त हंसाता रहता था सबको, और सारा वक्त उसके हाथ में सिर्फ खाना ही खाना था, तो उसको लेके भी हम इंजॉय करते थे, उसको भी हम बहुत चिढ़ाते थे, मोटू बोलते थे, गोलू बोलते थे। मैं उसकी हर एक चीज़ को मिस करने वाली हूँ। सारे गामा पा की मेरी जो अब तक की जर्नी रही है वो मेरे लाइफ के बहुत सालों तक नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, वो मंच को जीना मैं मिस करूँगा। जो उस मंच में गाने का जो एक माहौल है वो इस दुनिया से अलग है, वो कोई नहीं समझ पाएगा। जो आर्टिस्ट, जो सिंगर वहाँ पे परफॉर्म करता है वही समझ पाते हैं। थैंक यू सारेगामापा, एंड आई विल मिस यू अ लॉट एंड लव यू। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द रूल, पार्ट ऑफ द स्टोरी। वी फील सैड फॉर द पर्सन हु गोज, बट पद्मनाभ को एक और चांस है वाइल्ड कार्ड में वापस आने का, तो इंशाल्लाह हम प्रे करते हैं कि वो आ जाए। ये म्यूजिकल सफर अब टॉप 10 के पड़ाव के करीब है, इसीलिए कंपटीशन टफ है और एक गाना भी किस्मत बदल सकता है, और वही हुआ अर्शप्रीत के साथ। तो आज जो हमारा साथ छोड़कर चली जाएंगी वो है अर्शप्रीत। बहुत
बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी सिंगर है, वो कमाल गाती है, उसका एटीट्यूड, उसकी आवाज़, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही कमाल है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि कोई कमी रह गई थी, लेकिन क्या है, हर हफ्ते एक एलिमिनेशन तो होना ही होना है, इससे कहाँ भाग सकते हैं। हमें कहीं कहीं ढूंढना पड़ता है किसको एलिमिनेट करें, बहुत मुश्किल काम है। आई पिक्ड अप द वीकेस्ट परफॉर्मेंस, नॉट द वीकेस्ट सिंगर। अश्मित एलिमिनेट हो गई, पहले मैंने सोचा ही नहीं था, बट परफॉर्मेंस उस लेवल का सीरियसली नहीं हुआ जो अपेक्षा थी। वो बिफोर द परफॉर्मेंस पहले मुझे बोल रही थी कि मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। एक ये भी है कि इसकी जो टर्न आई थी वो बिल्कुल लास्ट में थी, और एक एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल लो होती है, उसमें भी इसने सुर में गाया और गाने को बखूबी निभाया। ये एक एक्सक्यूज नहीं है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना था, ये कॉम्पिटिशन है, नहीं कर पाई तो उसका रिजल्ट सामने। एक अलग स्टाइल है उनका, वो जब स्टेज पे हमेशा जितनी बार भी परफॉर्म किया है हमेशा छाई है। She is already star, yeah. I mean, she is already a female rock star. अश्प्रीत एक ऐसी बंदी थी कि बिल्कुल फ्रैंक थी, जैसे वो गाती थी वैसे बिहेव करती थी, मतलब वो एक बिल्कुल ही टिपिकल पंजाबी कुड़ी थी, जो मन में है वो बोल देती थी, और यही सबसे क्वालिटी मैं मिस करूँगा उसकी। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, हम सब एक साथ रह रहे, एक रूम शेयर कर रहे, वो मुझे हर एक बात बताती, मैं उसको हर एक बात, मतलब मैं उसे कितना मिस करने वाली हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो वाइल्ड कार्ड में फिर वापस आए और फिर हम लोग एक साथ रहे, हम एक साथ गप्पे लड़ाए, एक साथ गाना गाए, स्टेज शेयर करे, सब कुछ, मतलब मैं चाहती हूँ वो आए। होपफुली ज़रूर आऊँगी वापस। संगीत में भी हमारे सिंगर्स अव्वल हैं और फैशन में भी अव्वल हैं, क्योंकि हमारे फैशन पार्टनर हैं प्रोवो। हमारे फैशन पार्टनर प्रोवो की बात ही कुछ अलग है। प्रोवो के जो गर्ल्स के कपड़े हैं तो वो तो बहुत ही मतलब कूल है, बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े हैं और एक से बढ़कर एक कलर है। थैंक यू सो मच प्रोवो फॉर बीइंग आवर फैशन पार्टनर। वी लव यू प्रोवो। वेलकम टू हीरो सारेगामा पर 2012 पावर्ड बाय लॉरियल पेरिस स्पॉटलाइट। इस सफर में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि पब्लिक डिमांड के आधार पर कुछ अनूठे सिंगर्स को इस सफर से जुड़ने का एक आखिरी मौका मिलने वाला है। देखिए अभी कंपटीशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और सारे परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। अभी सवाल पैदा होता है कि वाइल्ड कार्ड का। अब वाइल्ड कार्ड इसलिए होता है क्योंकि डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स को एक दोबारा से एक मौका दिया जाता है कि ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दोबारा आके इस शो के जरिए परफॉर्म कर सके। देखिए वाइल्ड कार्ड से होता क्या है कि एक अनसर्टेंटी आ जाती है पूरी चीज़ में। आप किसी एक ऑडिशन पे अगर निकल गए हो फिर सडनली वापस आ रहे हो, आपको एक क्वांटम जंप करना पड़ेगा अपने एबिलिटी में, जो इतना आसान नहीं है। तो वाइल्ड कार्ड अगर आपको ज़िंदगी फिर से चांस देती है, बहुत टफ चांस देगी मगर, तो गुड लक। इस बार वाइल्ड कार्ड है तो उस बात को लेकर थोड़ा टेंशन है दिमाग में, और भी खतरनाक आने वाले हैं और कंपटीशन और भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। जो ऑलरेडी एलिमिनेट हुए कंपटीशन में से, उसमें से कोई आएगा या फिर बाहर से कोई आएगा, ये बहुत ही सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स रहने वाले हैं। वाइल्ड कार्ड में जो वापस आने वाले हैं, ऑब्वियस है कि उनकी गायकी में कोई ना कोई बात है, उनके मतलब गाने में दम है, जिसलिए मतलब इतने लोगों में से उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है। वाइल्ड कार्ड में कोई भी आ जाए मुझे उससे कोई डर नहीं, मुझे बस अपना 100% देना है और मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे। इस मंच के बड़े फैसले करते हैं हमारे सबसे बड़े जज यानी आप। तो आइए सुनते हैं कि आप इस मंच पर किस किस को फिर से देखना चाहते हैं। अश्प्रीत मेरी फेवरेट सिंगर है और इस बार वो वाइल्ड कार्ड में आ रही है, आई रियली होप कि वो सिलेक्ट हो जाए। बार भी अगर वाइल्ड कार्ड में सिलेक्ट हो गई तो बाकी सबकी बैंड बजा देगी।
मैं चाहती हूँ कि हिमांशु वाइल्ड कार्ड में वापस आए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ही इज़ अ बिग कॉम्पिटिशन टू जैज़िम, ही कैन सिंग अमान स्टाइल ऑल्सो, और वो शहनाज को भी अच्छा टक्कर दे सकता है, तो आई वॉन्ट हिम टू कम। बॉलीवुड स्टाइल गाने वालों की बहुत ज़रूरत है, और वो पारुल मिश्रा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कुणाल बहुत अच्छा कंटेस्टेंट है, वो क्लासिकल और बॉलीवुड में तो बहुत अच्छा है, अगर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ जाए तो सबको बहुत अच्छी टक्कर देगा। उनमें अगर वापस आ गई तो सबके बैंड तो बजनी ही है। मैं मोहम्मद अमान जी के लिए प्रे करना चाहता हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो वापस आए, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड क्लासिकल सिंगर। मोहम्मद अमान, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट कुणाल, बारबी ऑल द बेस्ट, और वाइल्ड कार्ड में सिलेक्ट हो जाए। ऑल द बेस्ट अर्शप्रीत चकते फट्टे। आपके डिमांड के मुताबिक कौन से अनोखे सिंगर आएंगे ये राज खुलेगा कल शाम, पर हंसी की पुड़िया हम खोलेंगे अभी, तो लीजिए इस हफ्ते का लाफ्टर स्टॉक। नमस्कार। प्रेशर, मेरे को प्रेशर आ रहा है यार, ऐसा मत करो यार, बहुत परेशान हूँ मैं ऐसा चक्कर में। गड़बड़ हो गया। अश्विन का इस बार का जो परफॉर्मेंस था, क्या मैं ऐसे एक्शन में क्यों बोल रहा हूँ? मैं आज ऐसा गाने गला के आने रे क्या बोला? बोलो। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है एक्चुअली, तो फिर मत करो यार। ये एक्चुअली हम लोग दोनों के बीच में भी कुछ चलता ही रहता है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे, मैं कुछ बोलता हूँ तो यहाँ से पहले ही टॉइंग, वो साउंड है ना बाबा, टॉइंग। जोरदार तालियां वाजिद भाई के लिए। यार साजिद भाई के लिए भी बोला, हम दोनों साथ में यार, ये क्या चक्कर है? सॉरी। जोरदार तालियां साजिद भाई वाजिद भाई के लिए। साजिद भाई बहुत गौर से देख रहे थे, साजिद भाई मुझे थोड़ा खुन्नस में देख रहे थे, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? Sarigamapa, 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 Sarigamapa,